पुत्र, उससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी के नेता और तमाम लोग जो वो काट चुके हैं, और ये तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जय भीम के नारे लगते हुए यश रविदास जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली रजिस्टर्ड 722/1954। तो ये यहाँ से एक प्रकार से गुरु जी का जो जन्म उत्सव समारोह है, जो झांकियों का प्रोग्राम है, वो निकल गया है। और जैसा आपने देखा कि ढोल नगाड़ों के साथ में गुरु रविदास जी के जन्म उत्सव 647वां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। आप लाल किले के सामने हैं और झांकियां जो हैं वो चलने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब, आज रविदास जयंती के उत्सव में आए हैं, क्या कहना चाहोगे इस मौके पर? भाई, इतने बड़े महापुरुष, इतने बड़े सद्गुरु, संत शिरोमणि, उनकी जयंती पर तो आकर जो है हर एक आदमी को आत्मिक सुख मिलता है, आत्मा की तृप्ति होती है। उनकी पवित्र स्मृति को प्रणाम करने के लिए आए हैं। शायद उन्होंने जितना इस समाज के लिए किया, सामाजिक समरसता के लिए, मानवता को स्ट्रेंथन करने के लिए, मानवता का बोध और जाति प्रथा के खिलाफ, और मैं समझता हूँ कि ऐसे सिद्ध संत जिनकी जो वाणी है वो उसको गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकॉर्पोरेट किया गया हो, मैं समझता हूँ ऐसे संत के जन्मोत्सव के समारोह में, उनकी शोभा यात्रा के शुभारंभ में शामिल होकर मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें आप मिनिस्टर रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, संत रविदास जी के लिए क्या कुछ उनकी जो वाणी है, आप उनकी जो वाणी है, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को समरसता की, समानता की बात जो की, क्या करेगी? हमारे तो प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे बड़ा मंत्र है, सबका साथ सबका साथ सबका विकास। आप डॉक्टर हर्षवर्धन हैं और भारत सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे, दिल्ली के एमएलए हैं, मिनिस्टर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, कितना सबका साथ कितना सबका विकास है। ये पीछे से झांकियां जो है वो निकल रही हैं रविदास जी की, आप देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर झांकियाँ जो है वो अपने जो उनका जो पड़ाव है उसकी तरफ कूच कर रही हैं। और ये झांकियाँ, मजे की बात ये है कि यहाँ पर आज तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से विचार रखे हैं। हमारे साथ में सर, क्या कहना चाहोगे इस मौके पर? अरे सर बहुत हर्षोल्लास के साथ आज 647वीं जयंती निकल रही है। राहुल जी, ये वह युग का अंत करेगी ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की वाणी, कि ऐसा चाहूँ राज में जो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो समता मूलक समाज की स्थापना करने की लिखित गारंटी भारतीय संविधान में दी, वह तथागत बुद्ध के जब से ही से शुरू हो गई थी। मध्यकाल में संत गुरु रविदास, कबीरदास, इन्होंने गुरु नानक, इन्होंने आगे बढ़ाया, और अब जो आप देख रहे हैं ये वैसे दुखी बात है कि जितनी द्रुत गति से हमारे लोगों को विचार कैच करके, और इस क्योंकि वो संगठित हैं, वो लोग संगठित हैं, हम इतने संगठित नहीं हैं। निश्चित रूप से जब बाबा साहब को अगर आत्मसात नहीं करेंगे पूरी तरीके से, तब तक ये संभवतः मुझे लग नहीं रहा कि द्रुत गति इसमें आएगी। ये बात कह रहे हैं कि जो है वो जब तक बाबा साहब को आत्मसात नहीं करेंगे तब तक शायद पीपल साहब ही, और ये कह रहे हैं कि तब तक सारी बातें जो है वो एक तरीके से नहीं हो पाएंगी। एक एक झांकी यहाँ पर निकल रही है, मैं दिखा दूँ कि जिस प्रकार से यहाँ पर झांकियों का जो है वो निकलना हो रहा है संत रविदास। इसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को यहाँ पर प्राथमिकता जो है मुख्य रूप से दी गई है। बड़ा उत्सव होता है ये, देश का शायद सबसे बड़ा उत्सव, जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को और संत रविदास के साथ में रखा गया है। और लाल किले से झांकियाँ निकलती हैं, जिन लोगों को जानकारी नहीं उनको बता दूं कि ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है वो 1954 में संस्था रजिस्टर्ड करवाई थी, जिसमें कहा गया था कि ये जो है वो संत रविदास जी की जयंती मनाने के लिए जो संस्था है गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी, ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कहने पर ये रजिस्टर्ड हुई थी, और आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से गुरु रविदास जी का आज यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास के साथ में,
और तमाम लोग, अंग्रेज लोग इसमें शामिल हैं और देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं। गोरे ज़्यादा हैं, गोरों की संख्या ज़्यादा है और ये वही गोरे हैं जो हमेशा यहाँ संत रविदास जयंती में लाल किले पर शामिल होते रहे हैं। ये बड़ी बात है, लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी तरीके से अपनी बात को, अपने जज्बात को रखने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। संत रविदास जी की ये झांकी जो अपने आप में कहीं ना कहीं एक संदेश देती है, जिसमें छोटे बच्चों को बिठाया गया है और बताने की कोशिश की जा रही है कि संत रविदास जी की जो वाणी थी किस प्रकार से, ये संत रविदास जी की झांकी अपने आप में बताती है कि वो संत महापुरुषों को किस प्रकार से अपना जो संबोधन है, वो प्रवचन है, वो कर रहे हैं। और तमाम झांकियां कुछ ना कुछ कह रही हैं। वैचारिक क्रांति जो बुद्ध से शुरू हुई थी और डॉक्टर अम्बेडकर होते हुए यहां तक पहुंची है। मेरे साथ में तेज सिंह राजेश हैं जो महामंत्री हैं इस जन्मोत्सव कमेटी के। क्या कहना चाहोगे इस मौके पर? मैं सभी देशवासियों को इस शुभ अवसर पर श्री गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती पर बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस अवसर पर लोगों से यही अपील है कि गुरु रविदास जी के शिक्षाओं पर, और ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन, छोट बड़े सब सम बसो, गुरु रविदास रहे प्रसन्न, ये सरकारों के लिए मैसेज है। ऐसे स्थापना करें और इस बार एक बार बहुत बधाई, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, आप राजेश जी से, और ये महामंत्री हैं और बड़े पदाधिकारी हैं, और मेरा कहना, मैं जो शुरू से, कल से, परसों से, जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तब से जो कह रहा हूँ वो यही कह रहा हूँ कि जो लोग बुद्ध से लेकर के और डॉक्टर अम्बेडकर तक की विचारधारा को अलग अलग नापने का प्रयास करते हैं वो गलत है। ये एक विचार की है, एक प्रयास है, एक भाषा है, एक सोच है। बुद्ध ने जो कहा था, सबे सत्ता सुखी हों तू, सबे हों तू चके बनाए, यानी सबका साथ, वही बात रैदास ने कही, वही बात डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में अंगीकृत की। और आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कि अगर रैदास जी की जयंती निकल रही है, गुरु जी की जयंती निकल रही है, तो वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भरपूर जो है वो स्नेह दिया गया, सम्मान दिया गया, क्योंकि ये वही संस्था है जिसको कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1954 में उनके कहने पर रजिस्टर्ड कराया गया था। और वो तमाम झांकियाँ, हाँ देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ कुछ और लोग जो है वो जुड़ गए हैं, तो ये हमारे साथी हैं। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव जी, आज संत रैदास जी की 647वीं जयंती है, क्या कहोगे जी? सर, देशवासियों को मैं इस मामले में बहुत बहुत संत गुरु रविदास जी की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां देना चाहता हूं। और बड़ा हर्ष का विषय है कि आज हमारे जो संत महात्मा थे उनकी जो ऐतिहासिक जयंती है वो लाल किले के प्रांगण से, ऐतिहासिक प्रांगण से हम आप जन समूह के साथ में, तमाम जन समूह के साथ में हम निकाल रहे हैं। और युवाओं के अंदर बड़ा उत्साह और बड़ा उल्लास है, और बड़े चाव के साथ में जो है युवा अपने गुरुजी की जयंती को, शोभा यात्रा को विशाल रूप देते हुए, आप देख सकते हैं तमाम शोभा यात्राएं जो है झांकियों के रूप में निकल रही हैं। गुरुजी के जीवन पर, चलचित्र पर जो है आधारित सारी झांकियां हैं ये हमारी, और इसी के साथ में मैं बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं, आप बड़े पदाधिकारी हैं। और कुछ एक युवा हमारे साथ जुड़ गए, क्या नाम है आपका? हेमंत। हेमंत भाई, गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती है, क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन कौन, मिलेगा सब कौन? किसान तो बैठे हैं रोड पर। नहीं नहीं, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। चलिए खैर, सबको मिलेगा। और मैं कुछ झांकियों के दर्शन तमाम लोगों को करवा दूं, और वो इसलिए भी कि आपको पता होना चाहिए कि झांकियों का जो महत्व है वो अपने आप में बड़ा महत्व है। और ये जो झांकी है ये कुछ ना कुछ कह रही है। इसमें रैदास जी और एक महिला चित्र है जो शायद उन्होंने भारत माता बनाने की कोशिश जो वो की है, और इसमें तमाम वो महापुरुष हैं। उधर भी कुछ महापुरुष हैं, मैं दिखा दूं आपको। उत्तम सिंह हैं, बाबू जगजीवन राम हैं, और बाबू मंगा राम हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। ये तमाम महापुरुष हैं, ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। पूर्ण झांकी है, ये झांकी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मतलब ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और रविदास की विचार में कहीं कुछ फर्क था, तो मैं बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और रविदास का वो विचार, अगर रैदास ने कहीं ना कहीं ये बात कही कि सबको अन्न और बेगमपुरा सोसाइटी की बात कही, तो आप समझिए कि यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी
जिक्र होता है जिन्होंने समता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात की। रविदास जी का वो वचन जिसका जिक्र शुरू से कहा जा रहा है और वही यहाँ पर आज साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। कहीं ये झांकी अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो लोग रविदास और अम्बेडकर पर बात करने से डरते हैं उनके लिए झांकियाँ निकल रही हैं, एक एक करके जा रही हैं। और मैंने तमाम महत्वपूर्ण लोगों से बात करने की कोशिश की, चाहे वो डॉक्टर हर्षवर्धन थे, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पुत्र थे, चाहे वो कमेटी से जुड़े लोग थे। अब मेरे साथ एक और महत्वपूर्ण शख्सियत मौजूद हैं जिनके नेतृत्व में गुरु रविदास जी की जयंती निकाली जा रही है, धर्मप्रकाश बुलाकी जी। सर क्या कहना चाहोगे? सर आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे महान संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती है। गुरु रविदास जी ऐसे महान संत थे जो संदेश तथागत भगवान बुद्ध ने दिया, जिसको उसी संदेशों को गुरु रविदास जी ने आगे बढ़ाया। और गुरु रविदास जी को संदेशों को, जैसे गुरु रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन भुवन, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, तो वही सारा का सारा गुरु रविदास जी का बेगमपुरा का सपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में शामिल किया, जिससे गुरु रविदास जी का जो सपना था मानवता को महत्व दिया, वही गुरु रविदास जी की विचारधारा भारत के संविधान में शामिल हुई है। और आज समस्त देशवासियों को मैं दिल्ली से श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी की ओर से बधाई देता हूं। और आज का जो महत्वपूर्ण पर्व है, यह हमारा पर्व दिल्ली के अंदर सन 1949 से चल रहा है और 1954 से लगातार लाल किला से शोभा यात्रा निकल रही है बिना किसी नागा के। और ये विशाल शोभा यात्रा मात्र श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी एक आयोजक है। यह शोभा यात्रा दिल्ली की अन्य शोभा यात्राओं से भिन्न है। यह शोभा यात्रा इसलिए भिन्न है कि बाकी शोभा यात्राएं संस्थाएं निकालती हैं, लेकिन शोभा यात्रा जो गुरु रविदास जी की है वो गुरु रविदास का समाज निकलता है, जिसके अंदर बौद्ध विहार हो, डॉक्टर अंबेडकर की संस्था हो, गुरु रविदास जी के मंदिर हों और अन्य धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के लोग इसमें शामिल होते हैं। शोभा यात्रा में झांकी लेकर आते हैं, कीर्तन मंडली लाते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं और लगभग 70 स्थानों पर दिल्ली के उसमें स्वागत समारोह आयोजित किया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने समय पर यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आते रहे, आज लगभग 7 दशक के बाद में उनका ब्लड यहाँ पहुँचा है, उनके पुत्र यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहोगे इस संदर्भ में? देखिए आज मैंने मंच पे भी इस बात को दोहराया कि आज 67 साल के बाद इतिहास दोबारा से दोहराया गया है। जिस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस गुरु रविदास जी की शोभा यात्रा में शामिल हुआ करते थे और अगले दिन वो सभा करते थे, गुरु रविदास जी के बाबा साहब के बाद बाबू जगजीवन राम जी प्रत्येक वर्ष शोभा यात्रा में आते थे, और आज वही जो 67 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बड़े गर्व के साथ इस शोभा यात्रा में शामिल होते थे, आज वही इतिहास दोबारा से दोहराया गया है। यशवंत राव भीमराव अम्बेडकर जी, उनके जो पड़पोते हैं, वो आज की हमारी शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि थे और आज उनके मुख्य अतिथि होने से समाज बहुत खुश है, खुशी की लहर है। और ये सब के उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए, गुरु रविदास जी के इतिहास को दोहराया, बाबा साहब के विचारों को उन्होंने रखा, समाज ने बहुत अच्छे ढंग से उनको सुना है और बड़े बारीकी से उनकी बातों को गौर से सुन रहे थे। एक सवाल मैं लास्ट में आपसे ले लेता हूँ चलते चलते, कि महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। जो लोग रविदास गुरु रविदास जी को और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अलग थलग तोड़ना चाहते हैं, जो कहते हैं कि नहीं अम्बेडकर नहीं होते तो रविदास नहीं होते, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? समाज को दो टुकड़ों में लोग बांट रहे हैं। देखिए यह समाज की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। यदि सिखों ने 10 गुरु बनाए हैं, क्या हम 4-5 गुरु नहीं बना सकते? ये बड़ी बात है। आप ये बात देखिए कि गुरु रविदास जी, गुरु रविदास जी ने कौन सी बात कही? आपने जो गुरु रविदास जी ने मानवता की बात की, समानता की बात करी और बच्चों को बेगमपुरा की बात की, तो वही तो बात बाबा साहब ने कही। जो लोग इस तरीके का बंटवारा करने का प्रयास करते हैं, उससे कभी समाज मजबूत नहीं होगा, समाज कमजोर होगा। समाज जब ही मजबूत होगा, सामने वाले से हम लड़ाई जब ही लड़ेंगे जब हम एक ताकतवर होंगे, एक झंडे के नीचे होंगे, एक झंडे के नीचे रहना चाहिए। ठीक है, मैं बाबा साहब को भी मानता हूँ, मैं गुरु रविदास जी को भी मानता हूँ, मैं भगवान बुद्ध को भी मानता हूँ, संत कबीर जी को भी मानता हूँ और जितने हमारे दलित पुरुष हैं हम सबको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। क्यों ना हम सब आपस में एक दूसरे महापुरुष को सम्मान की दृष्टि से देखें। हमारा भला, हमारी ताकत और हमारी लड़ाई तभी मजबूत होगी जब सारा समाज हम सबके साथ लेकर चलेगा।
चलिए आप जो हैं वो बुलाकी जी थे और गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनने उनसे बातचीत की और बातचीत करने का जो उद्देश्य था वो सिर्फ इतना था कि ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हो सकें, ठीक है सवाल नहीं करने चाहिए इस समय पर क्योंकि गुरु जी की जयंती और जयंती के उत्सव पर उत्सव की बात होनी चाहिए, बाकी बात बाद में की जा सकती है। तमाम लोगों का धन्यवाद और मैं भी सुबह से यहाँ पर हूँ 10 बजे से और मैं खुद पहली बार, हमारा हमेशा कैमरा मैन आता है तो मैं पहली बार इसको खुद कवर करने के लिए आया क्योंकि मुझे लगा कि ये वो पवित्र संस्था है जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जुड़े रहे और इस बार उनके वंशज जो यहाँ आ रहे हैं, तो मैं तमाम महत्वपूर्ण मेहमानों से बात की और पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया मैं कॉमेंट सेक्शन में बताया। धन्यवाद।